Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Chemical Bonding and Molecular Structure. And today we will discuss question number 9. So here the question is, how do you express the bond strength in terms of bond order? देखो बेटा, दो टर्म्स हैं यहाँ पर, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स. ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर. एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा? स्ट्रेंथ का मतलब तो हम सब समझते हैं, है ना. जितना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा उसको तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. तो जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है हम कहते हैं उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो ज्यादा मजबूत है, ज्यादा स्ट्रांग है. ठीक है, अब आपको बताना है कि आप बॉन्ड स्ट्रेंथ को इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर कैसे बता सकते हैं. देखो यहां पर हम दो चीजों की बात कर रहे हैं ना बेटा, एक है बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड ये दूसरा क्या है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर. ठीक, हम यहां पर कह सकते हैं डायरेक्ट रिलेशन है बेटा. अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है, मतलब जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर है 1. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2. और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स. तो यहां पर जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा बेटा, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी क्या करती है, इंक्रीज करती है. और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी तो हम कहेंगे बेटा जो बॉन्ड एंथैल्पी है, क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी कह सकते हैं, या फिर हम कहेंगे बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, वो क्या करेगी, वो करेगी इंक्रीज. क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा उसको तोड़ने के लिए आपको उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है बेटा, तो ये हमने बात की बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर की. यहां पर हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, वो है बेटा बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा? बॉन्ड लेंथ को हम डिफाइन करते हैं एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. अगर कोई मॉलिक्यूल आपके पास है और उस मॉलिक्यूल में ये दो कार्बन एटम्स हैं, तो ये दोनों जो कार्बन एटम्स है बेटा, इनके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को. तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है बेटा, वैसे वैसे जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज होती है. जैसे अगर हम बात करें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, तो यहां पे जो बॉन्ड लेंथ है बेटा वो कितनी होती है, वो होती है 154 पिकोमीटर. ये सारा डेटा आपकी बुक में दिया हुआ है. कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है तो बॉन्ड लेंथ कितनी होती है बेटा, ये होती है 133 पिकोमीटर. एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा तो बॉन्ड लेंथ कितनी होगी बेटा, 120 पिकोमीटर. तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है, देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, बॉन्ड लेंथ सबसे कम. और अगर बॉन्ड लेंथ सबसे कम तो मतलब उस बॉन्ड को तोड़ना उतना ही ज्यादा मुश्किल. तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो गई. ठीक है, क्या बात हमें समझ आई. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां पर हमने लिखा बॉन्ड ऑर्डर, इसकी डेफिनेशन हमने दे दी है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. एंड ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ. जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज्यादा होगी बॉन्ड की स्ट्रेंथ. ठीक है, आसान क्वेश्चन था. चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.